हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं फोर्थ का सिक्स पार्ट है और इसमें कह रहा है एक्सपेंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई माइनस के टू इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस के वन एंड वाई प्लस टू। तो फ्रेंड्स, ये टू वेरिएबल्स में है और मुझे इसे एक्स माइनस वन वाई प्लस टू के एक्सपेंड में लिखना है, ठीक है। तो ये मैं टेलर्स थ्योरम है उससे मैं इसको करने जा रहा हूँ। तो गिवन फंक्शन जो है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन फंक्शंस हमारे पास टू वेरिएबल्स में है और जो इस तरीके से दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर वाई प्लस के थ्री वाई माइनस टू, ठीक है। अब देखिए, और जिस पॉइंट पर हमें एक्सपेंड करना है वो पॉइंट दे रखी है इन्होंने एक्स माइनस के वन और वाई प्लस टू। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे ए माइनस के वन लिख लेता हूँ, वन आ जाएगा, और ये बी प्लस टू लिख लेता हूँ, माइनस टू, ठीक है। और मैं इसमें टेलर थ्योरम इस्तेमाल करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है, टेलर्स के नहीं है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे और इस तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास वन और माइनस टू है तो ये वैल्यू हम लोग अप्लाई कर देते हैं अपने फंक्शन में जनरली। तो वन और टू का मतलब है वन माइनस टू, जहाँ एक्स है वहाँ तो आपको वन पुट करना है और जहाँ वाई है वहाँ माइनस के टू, वन और ये हो जाएगा माइनस के टू, थ्री इंटू माइनस के टू और माइनस टू, माइनस के टू, माइनस के सिक्स और माइनस के टू, तो हो जाएगा माइनस के टेन। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ निकालना होता है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशियल, यानी कि खाली एक्स का डिफरेंशियल होगा, वाई का नहीं होगा। तो एक्स का डिफरेंशियल होगा तो आप लिख सकते हैं इसे टू एक्स और वाई ऐसी, बाकी किसी में एक्स नहीं है, ऐसी एफ वाई का आप निकालिए। एफ वाई का निकालेंगे तो आप सिर्फ वाई का करेंगे और किसी का नहीं करेंगे, तो वाई का करेंगे, यहाँ वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा थ्री। फिर आप निकालिए एक्स वाई का, एक्स वाई का निकालेंगे फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि वाई का हो चुका है उसमें फिर एक्स का करना है, इसका मतलब है वाई का हो चुका है एक्स के साथ करना है, तो कितना हो जाएगा आपका टू एक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मेरे को निकालना क्या है, अब एक्स एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स 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 तीन बार का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक्स एक्स का मतलब है कि एक्स का दो बार हो चुका हो, तो ऐसे करते हैं पहले दो बार निकाल लेते हैं एक्स एक्स का, तो यहाँ से हो जाएगा टू वाई। फिर आप निकाल लीजिए दो बार वाई का, तो एक बार वाई का हो चुका है, एक बार और निकालना है आप, तो यहाँ तो वाई है नहीं, इसका तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसा करते हैं हम लोग एफ एक्स एक्स एक्स, यानी कि अब हम लोग निकालते हैं तीन बार एक्स का, तो एक्स का दो बार हो चुका है, इसमें एक्स तो है नहीं, तीसरी बार के नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब निकालते हैं हम लोग वाई का तीन बार, वाई 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 का तो पहले ही दो बार जीरो हो चुका है, तीसरी बार करेंगे तब भी आपका रिजल्ट जीरो ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद निकालते हैं हम एक्स का दो बार वाई का एक बार, ठीक है। तो एक्स का दो बार फिर वाई का एक बार, तो एक्स का दो बार करा था हमारे पास टू वाई आ गया था, एक बार वो करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टू, ठीक है। अब ऐसा करते हैं एक्स का एक बार वाई का दो बार, तो एक्स और वाई, वाई का दो बार हो चुका है, वो रिजल्ट आ चुका है आपके पास जीरो, एक्स का एक बार और करेंगे इसका तो रिजल्ट आपका जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो ये रिजल्ट से आपको मिलेगा एक्स जब मैं वन कोमा माइनस टू अप्लाई करूँगा, तो एक्स की जगह तो हो जाएगा आपका वन, वाई की जगह हो जाएगा माइनस का टू, तो रिजल्ट मिलेगा आपको फ्रेंड्स माइनस का फोर, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ये एफ एक्स का था, एफ वाई का वन को माइनस टू के लिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक्स की जगह वन लिख देंगे, ठीक है, और फिर वाई की जगह प्लस का आपको हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा फोर। अब आप निकालिए एक्स वाई का रिजल्ट, तो एक्स वाई का जो रिजल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टू इंटू वन इजिकल टू आपके पास आ जाएगा टू,
फिर आप निकालिए एक्स एक्स का, तो वन को माइनस टू पर आप करना चाह रहे हैं, एक्स जाएगा तो है नहीं यहाँ पर, वाई वाई दे रखा तो माइनस का टू लिख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का फोर। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आप एक्स सॉरी एफ वाई वाई वन कोमा माइनस टू का निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा ज़ीरो, और ये रिजल्ट भी आपका क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा ना, ये भी आपका ज़ीरो रहेगा, और ये रिजल्ट आपका कांस्टेंट हो चुका है, तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा टू। ठीक है, यानी कि एक्स एक्स वाई वन को माइनस टू पर रिजल्ट आपका टू रहेगा, ऐसे ही एक्स वाई वाई का जो रिजल्ट रहेगा वो फ्रेंड्स आपको कितना रहेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ वैल्यू सारी फाइंड कर ली है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसके लिए हमने सारा कुछ ये करा है वो टेलर फॉर्मूला है, यानी टेलर की थ्योरम। टेलर्स थ्योरम है फ्रेंड्स, ये थ्योरम मैंने प्रूफ कर दी है, मेरे लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, और इस टेलर्स थ्योरम का मैं आपको प्रूफ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम फ्रेंड्स इस तरीके से होती है कि जिसमें एक्स वाई दिया जाता है, ए कोमा बी वन फैक्टोरियल एक्स माइनस का ए एफ एक्स और एक्स माइनस का बी एफ वाई और ए कोमा बी पर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोमा बी पर, और इसका लिखने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको देता हूँ जिससे आपको सवाल करना भी आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। तो एफ एक्स वाई ए कोमा बी प्लस फैक्टोरियल वन एक्स माइनस का ए और डेल अपॉन डेल एक्स, वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई, जो फंक्शन है हमारा फ्रेंड उसको हम लोग उसे ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे एक कंडीशन के लिए हो गया, तो अब दूसरे के लिए लिखेंगे प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स माइनस का ए, ठीक है, और फिर डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के वाई माइनस का बी डेल अपॉन डेल वाई का स्क्वायर और एफ। ठीक है, अच्छा तो ये जो वैल्यू हम लोग एफ रख रहे हैं फ्रेंड, जनरली ये जो है आपका ए कोमा बी पर ही निकाला जाता है फंक्शन, तो ए कोमा बी आप लिख सकते हैं यहाँ, ए कोमा बी प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इस तरीके से आपने यहाँ इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब ये वैल्यूज जो आई हैं, ये वाली वैल्यू एक्स का एक बार ये रिजल्ट माइनस फोर रख देंगे यहाँ, एक्स का एफ का वाई के साथ एक बार, तो वो रिजल्ट आपका रहेगा फोर, यहाँ पर फोर रख देंगे। फिर ये जो है ना स्क्वायर लग रहा है ऊपर फ्रंट, इसका मतलब है आप इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस तरीके से इसको फील करेंगे। पहले ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का दो बार, ठीक है, फिर बी का स्क्वायर मतलब वाई का दो बार, फिर टू ए बी का मतलब एक बार एक्स एक बार वाई, तो एक्स और वाई के साथ यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, फिर तो मान आपको रखना पड़ेगा प्लस का टू। ठीक है, तो इस तरीके से टेलर थ्योरम को हम लोग ओपन करेंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से मेरे पास जो फंक्शन बनने जा रहा है वो ये है, पहले तो मैं वैल्यू पुट करूँगा एफ ए बी, एफ ए बी की वैल्यू मेरे पास फ्रेंड्स माइनस का टेन है, चलिए पहले तो हो गया माइनस का टेन प्लस, फिर होता है वन फैक्टोरियल, फिर करना है मेरे मुझको मुझे करना है कि एक्स माइनस का ए लिखना है, यानी कि एक्स माइनस का ए, ए मेरे पास था फ्रेंड्स वन, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं वन इंटू में मेरे पास आएगा ये डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि एक्स का एक बार वैल्यू आई थी निकल गया माइनस का फोर, तो मैं यहाँ पर इस पर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के फोर से प्लस, फिर आएगा वाई माइनस बी, बी मेरे पास ये आ जाएगा माइनस का टू, तो हो जाएगा प्लस का टू, और एफ वाई, एफ वाई का मतलब फ्रेंड्स मेरे पास रिजल्ट है फोर, तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ तक फोर, आप मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से। इस तरीके से निकालिए आप वन अपॉन टू फैक्टोरियल, तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल फ्रेंड्स हम जनरली काम करेंगे
क्या वो कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू बी वाले फॉर्म हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वन का होल इसका होल स्क्वायर इंटू अब एक्स का दो बार, एक्स का दो बार का आंसर आता है फ्रेंड्स आपके पास माइनस का फोर, तो आप लिख देंगे यहाँ माइनस का फोर, ठीक है प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वाई का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है वाई प्लस टू का होल स्क्वायर और वाई का दो बार, वाई का दो बार करने फ्रेंड्स हमें मिला था रिजल्ट जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो। फिर प्लस का टू ए बी, टू ए बी का मतलब फ्रेंड्स एक बार एक्स और एक बार वाई, तो एक्स और वाई का जो पाँच डिफरेंशियल करा था फ्रेंड्स वो ये रहा, इसका आंसर आपका बना है टू, तो ये रहा आपका टू, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको दो बार कर दिया है। अब इसका फ्रेंड तीसरी बार जो करना होता है थ्री फैक्टोरियल के साथ, यानी कि अब सेम कंडीशन है, जो होल क्यूब होती है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल क्यूब जो होती है, ए की थ्री बी की थ्री और प्लस थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री ए बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो ए की क्यूब का मतलब है कि आपको जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्यूब करनी है, मतलब x माइनस वाई की जो क्यूब है x माइनस वाई है उसकी क्यूब हो जाएगी और x का तीन बार, यानी कि रिजल्ट आएगा जीरो प्लस। फिर b की क्यूब का मतलब है फ्रेंड्स y का तीन बार करेंगे तो फ्रेंड्स रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की इसको, चाहे आप दिखाना चाह रहे हो तो दिखा सकते हो कि इसकी पावर थ्री एंड रिजल्ट दिस। फिर प्लस थ्री, थ्री ए स्क्वायर का मतलब है फ्रेंड्स कि x वाले टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर बी का स्क्वायर बी का वन सॉरी बी माइनस टू इंटू, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स ए जो है हमारा एक्स के नीचे हो रहा है, यानी कि एक्स का दो बार और बी का मतलब वाई के नीचे एक बार, तो एक्स एक्स वाई। देखिए फ्रेंड्स फंक्शन की वैल्यू एक्स एस वाई पर हमारे पास आई है टू, यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका टू, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे करना क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्री, ए का मतलब है एक्स माइनस के वन एक बार, बी का मतलब है y माइनस के टू की पावर टू इंटू, इसका मतलब है x का एक बार, इसका मतलब है y का दो बार। देखिए फ्रेंड्स y का दो बार करने पर हमारे पास तो जीरो आ गया था, तो रिजल्ट तो हमारे पास कितना आ जाएगा जीरो, इसका मतलब इसकी जगह आ जाएगा जीरो, ठीक है। इससे आगे आपने डिफरेंशिएट नहीं किया है क्योंकि आपका जो फंक्शंस है जो आपको बहुपद दे रखा है वो थ्री पावर्स तक है, तो इसलिए आपने तीन बार उसका डिफरेंशिएट कर लिया है, रिजल्ट आपका यहाँ तक आ गया प्लस, यहाँ बचेगा आपका माइनस का फोर, तो मैं ऐसा करता हूँ ओपन ही कर देता हूँ ब्रैकेट को, फोर एक्स माइनस का वन, ऐसे ही यहाँ पर आपको आ जाएगा प्लस फोर वाई प्लस टू, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं, अब देखिए इसमें वन अपॉइंट टू फैक्टोरियल है, यानी कि वन अपॉइंट टू मिलेगा आपको इस वाले टर्म्स में, और मिलेगा माइनस का फोर और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये ज़ीरो, ये दो दूनी चार हो जाएगा, प्लस का चार एक्स माइनस के वन y माइनस टू, ये प्लस वन अपन थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है फ्रेंड्स, थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि रिजल्ट आपके पास आएगा सिक्स, ठीक है। तो ये सिक्स हो गया, ये रिजल्ट आपका जीरो है, छोड़िए इसको, ये जीरो है, ये भी छोड़िए, ये भी जीरो छोड़िए, बस आपके पास ये रिजल्ट आया, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा सिक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और वाई माइनस के टू, तो रिजल्ट आपका फाइनल आया माइनस का एक्स माइनस का फोर एक्स माइनस के वन फोर वाई प्लस के टू, और ये जो टू है डिवाइड करेंगे तो माइनस का टू हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस के वन वाई माइनस टू, और रिजल्ट जो आपके पास नेक्स्ट आने वाला है वो सिक्स से सिक्स डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको वैसे आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन वाई माइनस टू। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो आपको मैंने ये प्रूफ कर दिया, ये टेलर्स का एक एग्जांपल था टेलर्स थ्योरम का, और इसका जो प्रूफ है टेलर्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, ओके।